गुड मॉर्निंग गाइस, आज अपने क्यूब बनाना थोड़ा सा सीखेंगे। पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं पूरी तरह से। और ये वाला क्यूब बहुत पुराना है मेरा, और मेरे पास अभी सिर्फ एक ही क्यूब है, तो मूवमेंट थोड़ा स्लो रहेगा। ये पूरी तरह से आई थिंक स्क्रैम्बल हो गया है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आपको ये वाइट कलर लेना है, ये वाला। और वाइट कलर के जो सेंटर पीस है, जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज और वाइट आएगा, तो ऑरेंज और वाइट देखते किधर है, तो ये रहा ऑरेंज और वाइट, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये ग्रीन और वाइट है, तो ये ग्रीन के पर। और ये ब्लू और वाइट, ये इस तरह से बनेगा। और ये रेड में जाए, तो ये आपको पहले सेंटर पीस कलर के साथ मैच करने हैं। वही कर रहे हैं, तो ये तीन हो गए और ये लास्ट वाला ग्रीन है। ओके, तो ये ग्रीन आएगा ऐसे। तो सबसे पहले ये क्रॉस आपको रेडी करना है। क्रॉस रेडी होने के बाद अब आपको कॉर्नर पीस है जो ये फर्स्ट लेयर के, वो कंप्लीट करने हैं वाइट वाले। तो ये वाइट ब्लू और ऑरेंज है, इसको हम सिंपली इस तरह से कर लेंगे। अब ये ऑरेंज और ग्रीन है, तो ये और अब ये कॉर्नर पीस है रेड वाला। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड लेयर बनाएंगे, तो ये जो वाइट है वो नीचे की साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑरेंज और ये सेकंड के सारे जो भी पीसीस है कॉर्नर, वो हम अरेंज करेंगे। हमें विदाउट येलो वाले पीस चाहिए, क्योंकि येलो ऊपर है ना, तो येलो वाले पीस इसमें काउंट नहीं होंगे। ठीक है, जिससे कि सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमें थर्ड लेयर के लिए कॉर्नर रेडी करने हैं। तो ये क्रॉस रेडी हो गया और ये दो पीस तो ऑटोमेटिकली आ गए। हमें सिर्फ ये दो को इसका एल्गोरिदम लगा के उसे अपनी जगह पे फिट करना है, इससे हमारा क्यूब रेडी हो जाएगा। और ये हमारा क्यूब रेडी हो गया। ये थोड़ा पुराना क्यूब है, तो मूवमेंट इतना फास्ट नहीं करता, लेकिन ये सिंपल है, इजी है, बन जाएगा। थैंक यू।